तिरवाह में जमींदारी बांध की मरम्मत एवं मिट्टी भराई कार्य शुरू। मनरेगा योजना से हो रहा जमींदारी बांध का कायाकल्प, मजदूरों और ग्रामीणों में हर्ष। तिरवा क्षेत्र के रामपुरवा महनवा पंचायत स्थित ऐतिहासिक जमींदारी बांध की मरम्मत एवं रास्ते पर मिट्टी भराई मनरेगा योजना से कार्य कराया जा रहा है। उक्त जानकारी समिति सदस्य कुलशुम जहांपति शेख चुन्नू ने दी। उन्होंने बताया कि जमींदारी बांध पर 1500 फीट मरम्मती कार्य एवं मिट्टी भराई कार्य चालू है। इसमें मनरेगा जॉब कार्डधारी मजदूर राजेश पटेल, सुकट पटेल, राम पुकार भगत, देव नारायण भगत, संजू देवी, गायत्री देवी, शंकर पटेल आदि 2 दर्जन से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि पंचायत सरकार बनते ही मनरेगा योजना से हम लोगों को पंचायत में ही जीविकोपार्जन का काम मिल रहा है। अब हम लोगों को प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है। समझौता मझौलिया से इस समय प्रखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती इलाका जो तिरवा क्षेत्र पड़ता है महानवा रामपुरवा महानवा पंचायत में आया हूँ, जहाँ पर जमींदारी बांध का मनरेगा योजना से यहाँ पर मरम्मत कार्य हो रही है, जो बहुत बढ़िया हो रहा है कि कम से कम यहाँ के लोगों को एक तो बाढ़ ने जबरदस्त प्रहार किया, जो सारी फसल तबाह हो गई थी, और ये कोरोना काल में इन लोग का इतना रोजी चरमरा गया था। ये हम मनरेगा सबके जीवंत करने का जरिया है। इस समय यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं और मजदूर हैं, उनसे हम समझेंगे कि इस कार्य से इनको क्या लाभ हो रहा है। ये जो मनरेगा से जो कार्य हो रहा है, इससे आप लोगों को जो पूरा बाढ़ से आप लोग एकदम तबाह थे, हम कोरोना काल में कहीं आना जाना बंद था, तो इसमें आप लोगों को रोजगार मिल रहा है, कैसा मन आनंद कैसा आ रहा है? आनंद बहुत आ रहा है, ऐसा होना चाहिए। रोजगार मिल रहा है? जी रोजगार मिल रहा है। पैसा मिल रहा है ना इसका? सब मिल रहा है। अच्छा, ये होने से आपको कैसा महसूस? आप तो ग्रामीण हैं, यहाँ पर देख रेख अपना कार्य करवा रहे हैं कि मनरेगा से अच्छा से मिट्टी पड़ जाए, जो ताकि बांध अच्छा से बन जाए, जो ताकि भविष्य में इस सिकरहना नदी का प्रकोप किसानों पर नहीं हो, फसल पर नहीं हो। इससे हम लोग को बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये बांध की मरम्मती हो जाने के कारण से हम लोग का जो फसल है, ये बांध टूट जाने के बाद पूरा बर्बादी ही बर्बादी हो जाता है। ऐसा हो जाता है ना, फसल रहता है, घर द्वार सब पानी में बहने लगता है। इस बांध के हो जाने से हम लोग को बहुत बड़ी खुशी की बात है, जे मतलब फसल भी आबाद रहेगा और घर द्वार भी बच जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनालाल जादव और गुड्डू जादव। आप मजदूर हैं? आपका क्या नाम हुआ? हो जा, मेरा नाम सोनालाल जादव उर्फ गुड्डू जादव। इस बांध के मरम्मती से बहुत हम लोग ग्रामीण का सुविधा है, जो नदी में पानी आता है तो उससे नहीं टूटेगा, इससे बच बचाव के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है और मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है। इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। चलिए, अच्छी बात, ये काम ठीक बात है। एक नंबर सब कुछ मिलते बान कर्म से बाहर जब नदी सज जाते तो दूसरा उपाय कौन बा? बाहर हमको जाए के पड़ता, ठीक बा, काम मिलत रही तब तो हमके यही जन कमाएम सन, ठीक बा कि ना? बराबर दिन के काम हुई तो बराबर दिन आदमी कमाते रही। बाहर के बात, यहाँ अच्छा लग रहा है ना काम करते हुए? हाँ, ये अपना भी काम है गांव। मझोलिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। एमएलसी राजेश राम ने जनप्रतिनिधियों से मांगा वोट। महनवा, रामपुरवा, हरपुर, गढ़वा, डुमरी तथा बैठनिया और भाना चकादी पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। काम किया है, काम करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। एमएलसी राजेश राम द्वारा जनसंपर्क अभियान के तहत रविवार को महानवा रामपुरवा मुखिया डॉक्टर चंद्रिका साह के निवास पर पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। एमएलसी राजेश राम ने अपने कार्यकाल के दरमियान कराए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया तथा सूबे की सरकार की प्रशंसा करते हुए नीतीश कुमार को विकास दूत बताया। उन्होंने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए उचित मानदेय तथा विकास कार्यों में उचित योजनाओं से संबंधित राशि दिलवाने की बात कही। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के विकास के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ने की बात कहते हुए बताया कि समाज को शिक्षित होना अनिवार्य है, तभी सब अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं R9 संवाददाता मझौलिया से मनीष कुमार इस समय प्रखंड क्षेत्र के महानवा रामपुरवा पंचायत में आया हूँ, जहाँ पर वर्तमान MLC राजेश राम आए हुए हैं, जो मुखिया जी के आवास पर आए हुए हैं, जो यहाँ पर अपने पंचायत प्रतिनिधियों से वो रूबरू हो रहे हैं और उनसे अपने वोट के लिए अपील भी कर रहे हैं और विकास योजना पर चर्चा कर रहे हैं। इनसे मिलते हैं कि इनका क्या मैंने कहा है, क्या मामले बोलिए, क्या क्या आप आए अपने पंचायत प्रतिनिधियों से जो बात किए और अपने जो लक्ष्य रखे और अपने मत के लिए मतदान किए? मैं आए प्रखंड मझवलिया के रमरा बरवा घाट बाना रामपुरवा डुमरी और अपू गढ़वा बैठनिया भाला चक जो पंचायत है, इस पे मेरा दौरा का कार्यक्रम है। मैं अपने निर्वाचित जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं उन सबसे मैं मिल रहा हूँ
पहला तो उनसे मिल करके मैंने उन्हें जीत की बधाई देना और अपनी बातों का अवसर निकालना। आज मैंने संपर्क शुरू किया है, मैं आया हूँ, मेरा तो ऐसे चुनाव होना है और मेरा कार्यक्षेत्र पूरा पश्चिम चौहान जिला, तो मैंने तो आप चारों का दौरा कर लिया है इसी पश्चिम चौहान जिले आपके मजबरिया में यह भाग बाकी था जहाँ मैं पहुँचा हूँ और मैंने आज भी संपर्क किया और संपर्क कर रहा हूँ, अपने सारे लोगों से बता भी रहा हूँ। पहले तो मैं यह जानकारी दिया कि हम रहे हैं तो आपके लिए मैंने क्या दिया, तो मैंने पंचायती राज नगर निकाय ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों को जो दिया है जानकारी को दिया। पहले तो हम गए तो हमने लड़ाई लड़ा तो पंचायती राज में और नगर निकायों में अनुसूचित जाति जनजाति अति पीड़ा और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था हमने लड़के कराने का काम किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। दूसरी बात मैं बताऊं कि आज पंचायती राज नगर निकाय ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों को भत्ता की राशि तो मिलती है, किसान भत्ता के रूप में ही सरकार ने दिया, हमने लड़ने का काम किया, आज हमें मिलता है, हमारी लड़ाई का सफल है। तीसरा कि मैं बताऊं कि जो है वार्ड सदस्य जो पंचायती राज के हैं उनको आज काम करने की शक्ति मैंने दिलवाया, नहीं तो पहले उनको काम करने की शक्ति से नहीं मिली हुई है, मिली थी, कारण कि 15 वार्ड था तो वहाँ 8 वार्ड में काम हो पाता था 5 वर्षों में और 7 वार्ड खाली रह जाता था, इसको हमने सरकार में ध्यान दिलवाया और यह बताने का काम किया कि पंचायती राज में वार्ड सदस्य भी जनता के चुने प्रतिनिधि हैं और इस तरह की धारणा पंचायतों में देख रहे हैं, तो हमने सरकार को बताया और एक वोट के लिए भी लोगों से बात कर रहे हैं। इसके साथ ही हम जो है सारी बातों को बताते हुए मैंने पुनः अपील भी कर रहा हूँ कि मैंने आपके लिए काम किया है और आपके वोट में के लिए मैं हकदार हूँ। मैं राजेश राम MLC पश्चिम पांड। देखिए आज मैं क्षेत्र भ्रमण के क्रम में मजबरिया के हरपुर गढ़वा चंदा बड़वा डुमरी बठरिया बालाचक इस सारे इलाके के हम भ्रमण में हैं, जो संपर्क में हैं, जितने हमारे पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो अभी जीत कर गए उनसे मिलने के आया हूँ और साथ ही साथ हम अपने किए गए कार्यों को भी उसको अवगत करा कि हमने रहा तो उसके लिए मैंने क्या दिया, सारे लोग अवगत हो सकें क्योंकि आने वाले दिन में मेरा भी चुनाव होना है, ये तो मेरा संपर्क कार्यक्रम है, उनको जीत की बधाई भी देना और सारी बातों से अवगत कराना, इसी उद्देश्य से मेरा कार्यक्रम जगह जगह लगा हुआ है और मैंने बताया आप भी जाने कि मैंने इतने वर्षों से मैं रहा हूँ, आज जो पंचायती राज में आज पंचायती राज का स्वरूप जो दिखाई दे रहा है यह 2001 में स्वरूप नहीं था, आज जो दिख रहा है कि पंचायती राज में आरक्षण आपको दिख रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए जनजाति के लिए पीड़ा के लिए महिलाओं के खिलाफ ये आरक्षण ये हमारी लड़ाई के प्रतिफल है। दूसरी बात है कि पंचायती राज ग्राम कचहरी नगर निकाय के प्रतिनिधियों को जो भत्ता की राशि मिलती है ये भी हमारी लड़ाई के प्रतिफल है, हमने लड़ा तो माननीय नीतीश कुमार ने दिया। तीसरी बात कि आज वार्ड सदस्य जो हैं जो पंचायती राज के वार्ड सदस्य हैं उनको हमने काम करने की शक्ति दिलवाई, नहीं तो पहले 15 वार्ड था तो 8 ही वार्ड में काम होता था, 7 वार्ड खाली रह जाता था 5 वर्षों तक, फिर वो चुनाव में चले जाते थे और अनिवार्य रूप से सरकार से उन्होंने लड़ करके उन्हें शक्ति दिलवाया है कि हर वार्ड में 25 लाख का काम उनके कार्यकाल में होगा, सभी प्रत्येक वार्डों में 25 लाख के कार्य होंगे। चौथा चीज बताएं कि जो है आज तो दुर्घटना बीमा आम लोगों के लिए लागू है जिसका लाभ उनके परिवार के लोगों को 1 लाख रुपये मिलता है, लेकिन हमने जो है अपने प्रतिनिधियों के लिए लड़ाई लड़ी कि चूंकि आए दिन प्रतिनिधियों के साथ भी घटनाएं घट रही है, 6 में भी बहुत सारी घटनाएं घटी, हमने उसी समय से लड़ाई लड़ा, लेकिन हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है उन्होंने 15 में आकर निर्णय लिया कि पंचायती राज ग्राम कचहरी नगर निकाय के निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं जो जीत करके आए हैं 5 वर्षों तक सेवा देते हैं उनके साथ कहीं कोई घटना घटनी है, दुर्घटना रोड में दुर्घटना हो गई, किसी अपराधी के द्वारा उन्हें मार दिया गया, कल वो नहीं रहते हैं तो उनको जो है बिहार सरकार पंचायती राज विभाग 5 लाख उनके आश्रित परिवार को देगी अनुग्रह अनुदान के रूप में, ये भी काम हमने किया, लड़के दिखाने का काम किया है, इस वजह से कई शक्तियाँ हमने दिलवाया है। पंचायती राज एक में हमने एक जगह संशोधन करवाया कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे कोई कमियाँ होती है, कल अनविता के दोषी पाए जाते हैं तो उनको बर्खास्त करने की जो शक्ति एक में दिया गया है, उसमें आयुक्त को अंतिम मुहर प्रमंडलीय आयुक्त को दिया गया कि उनका साइन होगा और हटा दिए जाएंगे, हमने इसको भी उठाया और हमने आयुक्त के आसार पर सरकार शब्द जुड़वाने का काम किया, यानी कि हमारे प्रतिनिधियों का अगर बर्खास्तगी भी होगी एक चुने हुए प्रतिनिधि के कलम से होगी, एक नौकरशाह के कलम से नहीं, इस तरह हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी है, लड़कर दिलवाने का काम किया है, इन सारे बातों से अपने वोटरों को बता भी रहे हैं कि हम रहे हैं तो आपके लिए किए हैं और पुनः उनसे हम अपील भी कर रहे हैं कि एक बार मुझे और मौका दें, मुझे जीता के भेजने का काम करें, मैं जीत करके जाऊँगा तो आने वाले दिनों में जिस तरह से माननीय विधायक और माननीय विधान परिषद सदस्य और जो आपके माननीय सांसद हैं उनको कल चुनाव डिफीट करते हैं, चुनाव हार जाते हैं, उनको सरकार पेंशन देती है, हम इस बार जाएंगे और स्थानीय स्वशासन के जो भाग हैं
पंचायती राज, नगर निकाय, ग्राम कचहरी के जीते हुए प्रतिनिधियों को भी चुनाव हारने के बाद सरकार पेंशन योजना उनको भी लागू करे, जो पद है उस पद के अनुकूल उनको भी पेंशन दे, ये हमारी अगली लड़ाई होगी। इन्हीं बातों के साथ मझौलिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट।